Morning students, I hope you all are good. In the previous class, we will learn about nouns and their kinds. Today we will discuss about their kinds and their examples. यानी कि पिछली कक्षा में हमने सिर्फ नाम नाउन्स और नाउन की डेफिनेशन और उसके सिर्फ काइंड्स पढ़े थे. आज हम उसके एग्जाम्पल्स भी एक बार देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन. नाउन क्या होता है? ए नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल्स और इमोशंस. यानी कि नाउन क्या होता है? किसी का भी नाम, किसी वस्तु का हो या किसी प्लेस का हो या किसी जगह या किसी भी भाव का नाम क्या होगा? नाउन होगा. उसके बाद में नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, तो अपने 9 काइंड्स पढ़े थे. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल, कलेक्टिव और कंपाउंड नाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? यानी कि ऐसे नाउन, ऐसे नेम्स जो कि क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक वर्ड डिस्क्राइब करते हैं, जो बताते हैं कि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे कि मैं बोलूँ कि ताजमहल, तो ताजमहल जो है वो क्या होगा? अपना प्रॉपर नाउन. एंड राम, अगर मैं बोलूँ कि राम इज माय इंटीमेट फ्रेंड, राम मेरा घनिष्ठ मित्र है, यानी कि राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो मैं राम के बारे में स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन. फिर सेकेंड में आते हैं कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होते हैं? जो कि एक स्पेसिफिक क्लास बताते हैं, है ना. जैसे कोई भी क्लास कॉमन, जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्कूल की, तो अगर मैं नाम लेता हूँ स्कूल, तो स्कूल से आपसे पता नहीं चल रहा कि वो कौन सी स्कूल है, ठीक है. जैसे कि हो गया टेबल हो गया, तो टेबल भी अगर मैं बोलूँ कि टेबल, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि वो डाइनिंग टेबल है, वो स्टडी टेबल है या फिर कौन सी टेबल है. इसलिए क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, ठीक है. तो ये आप पेयर्स में समझोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा. जैसे कि प्रॉपर और कॉमन का एक पेयर बन गया. प्रॉपर क्या होते हैं? जो कि स्पेसिफिक होते हैं, और कॉमन जो एक क्लास बताते हैं, ठीक है, कंप्लीट स्पेसिफिक चीज़ नहीं बताते. नेक्स्ट आते हैं अपन काउंटेबल नाउन. नाम से पता चला है, काउंटेबल नाउन्स आर सच नाउन्स विच वी काउंट, यानी कि ऐसे नाउन जो हम गिन सकते हैं. किसी भी चीज़ को जैसे को हम गिन सकते हो, क्या हो जाएंगे हमारे? काउंटेबल नाउन. जैसे कि हो गया पेन हो गया, आप मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास दो पेन है, तो क्या हो गया? काउंट हो गया. जैसे कि बसेस, कि हमारे स्कूल की 3 बसेस है, हमारे स्कूल की 4 बसेस है, तो उसको हम बस को गिन सकते हैं, इसलिए वो क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन. फिर हम आते हैं अनकाउंटेबल पे. जैसे कि इसको अपन देखो नाम से पता चल रहा है अनकाउंटेबल, इसको हम नहीं गिन सकते. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, क्या दूध को हम गिन सकते? नहीं, नो, नेवर, कभी नहीं गिन सकते. फिर वाटर हो गया इसका एग्जाम्पल, तो वाटर को भी हम नहीं गिन सकते. तो ये दो पेयर हो गए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल. उसके बाद आते हैं हम कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? यानी कि ऐसे नाउन जिसको हम टच कर सकते हैं. नाउन्स दैट कैन बी टच्ड, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे? कॉन्क्रीट नाउन. जैसे कि पेंसिल हो गया. अगर मैं आपको पेंसिल बोलूँ कि ये पेंसिल मेरी है, इस पेंसिल को मैं छू सकता हूँ, तो जिसको छू सकते हैं वो कॉन्क्रीट है. जैसे कि वॉच, दिस इज माई न्यू वॉच, मैं अपनी वॉच को छू सकता हूँ, मेरी वॉच क्या है? कॉन्क्रीट नाउन. उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना. एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज नाउन विच कैन नॉट बी टच्ड, इसको अपन नहीं छू सकते. जैसे कि एंगर, गुस्सा, तो गुस्से को अपन कभी छू सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, है ना. फिर है लव, कि माई मदर लव्स मी लॉट, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, है ना. तो हम उस प्यार को छू नहीं सकते, उसको सिर्फ फील कर सकते हैं. जो जिसको हम फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते, वो कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो ये भी पेयर में ना, कॉन्क्रीट जिसको हम छू सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम नहीं छू सकते. उसके बाद में मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन क्या होता है? ऐसे नाउन जिसको हम कोई वस्तु बनाते जब काम में लेते हैं. जैसे कि गोल्ड, सोना, अपन कोई भी ज्वेलरी बनाते हैं तो गोल्ड काम में आता है. आयरन, कोई भी अपन वस्तु बनाते हैं, जैसे कि लोहे की, स्टील की एक टेबल बनाए, उस टेबल के लिए अपन को क्या चाहिए? आयरन चाहिए. यानी कि क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं, मेटेरियल होते हैं, वो हमारे कौन से हो जाएंगे? मेटेरियल नाउन. उसके बाद में नेक्स्ट हो गया कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन्स आर दोज नाउन्स विच आर इन अ ग्रुप, जो एक कलेक्शंस में होता है, जैसे कि बंच हो गया, पैक हो गया, एक्सेट्रा. फिर लास्ट हो जाएगा अपने कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन क्या होता है? जो हाइफन से जुड़े होते हैं, ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन. यानी कि दो शब्दों का एक कॉम्बिनेशन वर्ड
जैसे कि वाइस प्रिंसिपल, तो कई बार अपन बोलते हैं कि शी इज माई वाइस प्रिंसिपल, ये हमारी वाइस प्रिंसिपल है। जब हम दो शब्दों के बीच में कोई चिन्ह यूज करते हैं वैसे इसको क्या बोलते हैं, हाइफन बोलते हैं। ठीक है, जो शब्दों के बीच में जो हाइफन से जुड़ा होता है उस शब्द को हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। टुडे वी विल कंप्लीट द टॉपिक नाउन, यानी नाउन को हमने आज कंप्लीट किया। थैंक यू क्लास।